Hello friends, welcome to SAP journey once again. आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से SAP journey में स्वागत है. दोस्तों ये हमारे चैनल का लोगो है SAP journey और आप हमारी सभी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं. तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारा वीडियो फाइनेंस मॉड्यूल से रिलेटेड है और लास्ट टाइम हमने कवर किया था ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड. तो हमने जाना था कि कैसे एक ईयर एंड के टाइम हम या मंथ एंडिंग के टाइम हम कैसे पोस्टिंग पीरियड को ओपन या क्लोज करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं उससे आगे. तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं. अपने नए गोल बनाएं 2018 में और उनको अचीव करें. आइए स्टार्ट करते हैं. जो अभी तक हमने फाइनेंस के अंदर जो कवर किया था अभी हमारा सेकंड फेज चल रहा है SAP FI फाइनेंस अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स. और हमने लास्ट टाइम ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड ये जो टॉपिक था हमने ये कवर किया था. और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका पर्पस क्या रहता है. तो आइए देखते हैं एक बार फील्ड स्टेटस वेरिएंट. दोस्तों जो हमारा हम एक वेरिएंट क्रिएट करेंगे जो कि होगा फील्ड स्टेटस से रिलेटेड और उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे. तो जनरली क्या होता है, अभी हम जो चार्ट ऑफ अकाउंट है अभी तक हमने वो क्रिएट नहीं किया है. जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो हमारे GL ग्रुप्स रहेंगे वो क्रिएट होंगे और ग्रुप्स के अंदर जब हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई भी अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है और जो फील्ड स्टेटस ग्रुप्स हैं वो वहाँ हमको काम में आएंगे. तो आइए जानते हैं एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे ये फील्ड स्टेटस काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक अकाउंट है 101010 और ये कौन से मैं ABC मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है जो हमारी सबसे पहली वीडियो जो हमने बनाई थी जिसमें बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जो वीडियो है हमारी उसमें जो हमने आपको GL के बारे में डिटेल बताई थी कि एक जो चार्ट ऑफ अकाउंट रहता है उसके अंडर में हम जो GL के ग्रुप्स हैं वो क्रिएट करेंगे और उन ग्रुप के अकॉर्डिंग हम कोई भी जो अकाउंट बनाएंगे वो उन ग्रुप के अंडर में अकाउंट हम क्रिएट करेंगे. तो ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट का काम क्या है दोस्तों. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक GL अकाउंट क्रिएट किया
जीएल अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या ट्रांजैक्शन है? अगर हम सेंट्रली जीएल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो FS00, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, तो जब भी हम कोई नया अकाउंट या नया कोई जीएल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट के जो फील्ड्स ग्रुप्स हैं हम उनको असाइन करेंगे पर्टिकुलर किसी भी अकाउंट को। तो इस यहाँ पे ये जो आप पढ़ रहे हैं फील्ड स्टेटस ग्रुप, हमको ये समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी फील्ड की सेटिंग के लिए हम कोई ग्रुप बना रहे हैं। फील्ड्स क्या होती हैं, जैसे ये फील्ड्स आपको दिख रही है, ये फील्ड्स अभी ग्रे मोड में है और ये फील्ड्स भी ग्रे मोड में है। तो ये जो फील्ड्स की सेटिंग रहती है कि ये हमको यहाँ पे सिर्फ डाटा डालना पड़े, मैंडेटरी फील्ड बना दें इसको कि यहाँ पे हमको डाटा डालना ही डालना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम आगे नहीं चलेगा इससे। जैसे कि इस फील्ड को हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखें, इस फील्ड की सेटिंग ऐसी कर दें हम कि यहाँ पे कुछ भी जो भी हम टाइप करना चाहें तो वो टाइप ना हो पाए और ये फील्ड जो है वो ग्रे मोड में ही हमेशा रहे। तो इन्हीं को फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन करके पर्टिकुलर इस अकाउंट को और हम इनकी सेटिंग कर सकते हैं। आप कंट्रोल डाटा के अंदर जाएंगे सॉरी आप बैंकिंग और इंटरेस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फील्ड स्टेटस ग्रुप है एक G001, मीन्स ये जो अकाउंट क्रिएट किया है, इस अकाउंट में जब भी कोई एंट्री होगी तो इस अकाउंट की जो फील्ड्स की जो सेटिंग रहेगी वो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी। अगर इस अकाउंट में कोई फील्ड, इस ग्रुप के अंदर हमने किसी फील्ड को हाईलाइट किया है तो वो हाईलाइट होगा, अगर उसको सिर्फ डिस्प्ले किया है वो डिस्प्ले कर सकते हैं हम उस फील्ड में, या चेंज किया है तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये यहाँ पे जो हमने अकाउंट ग्रुप ओपन किया, सॉरी अकाउंट जो जीएल अकाउंट ओपन है वो है 7300, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जीएल अकाउंट नंबर है और मैंने इसको फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या असाइन किया हुआ है, G001। तो अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस अकाउंट के अंदर ये जो फील्ड्स हैं इनकी सेटिंग अगर हम करते हैं कि हमेशा जो नाम है, नाम के अंदर हमको ये पर्टिकुलर ये चीज़ ही दिखाए और कोई भी इसे चेंज ना कर सके, और एड्रेस हमेशा मैंडेटरी फील्ड रहे। मैंडेटरी का मतलब होता है कि आपको ये एड्रेस भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ सिस्टम इस अकाउंट को सेव नहीं करने देगा, या फिर इस अकाउंट की कोई भी पोस्टिंग सेव नहीं करने देगा। तो ये जो सेटिंग्स रहती हैं फील्ड्स की वो फील्ड स्टेटस ग्रुप के अंदर हम डिफाइन करते हैं और उन सभी ग्रुप्स को एक वेरिएंट असाइन करते हैं, और ये जो वेरिएंट है इसको हम करेंगे कंपनी कोड को असाइन, ताकि उस कंपनी कोड के अंडर में जितने भी हम अकाउंट ग्रुप बनाएंगे तो उनका जो भी डिस्प्ले रहेगा अकाउंट ग्रुप्स का तो वो इन फील्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग हमको डिस्प्ले करे कि कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, कौन सा फील्ड सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है और कौन सा फील्ड हाइड है। हाइड अगर हम किसी फील्ड को हाइड करना चाहें तो वो भी इस ग्रुप के अंदर हम सेटिंग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस स्क्रीन में दो ही फील्ड दिखाए, तीसरा जो फील्ड है उसको हाइड भी कर सकते हैं हम।
तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे इसको। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सबसे पहले तो हमको क्रिएट क्या करना है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये जो है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। और इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंडर में क्या होते हैं, फील्ड स्टेटस ग्रुप्स। तो अगर आप फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो अगर डायरेक्टली आप ट्रांजैक्शन के थ्रू जाना चाहते हैं, तो इसमें ट्रांजैक्शन कोड टाइप कर सकते हैं OBC4। आप ये ट्रांजैक्शन कोड अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो ट्रांजैक्शन कोड है OBC4, ये ट्रांजैक्शन कोड है क्रिएट करने के लिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट। मैं इस ट्रांजेक्शन कोड को रन करता हूं। ये जो फील्ड स्टेटस देख रहे हैं, मैं इसको इसकी थोड़ी सेटिंग करता हूँ। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, और वेरिएंट के अंडर में क्या क्रिएट होगा, फील्ड स्टेटस ग्रुप। और ये क्या है, ये क्या है, ये जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है ये किसके अंडर में क्रिएट होंगे, वेरिएंट के अंदर में। तो अभी यहां पे आप देख सकते हैं मैंने ट्रांजेक्शन रन की है OBC4, तो यहाँ पे आपको तीन फील्ड स्टेटस जो ग्रुप हैं, सॉरी वेरिएंट हैं, वो दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आप पढ़ सकते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट, और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को ग्रुप्स शो करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीन फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट किए हुए हैं। अभी के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका यूज़ कैसे होगा, तो वो आगे, अभी के लिए सिर्फ आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस पे ध्यान दीजिए, आगे इसका यूज़ होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। तो अभी कंफ्यूज़ ना हो, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है यहाँ पे तीन आपको दिख रहे होंगे, जो इनिशियल फील्ड जो SAP के साथ जो प्री डिफाइंड जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है वो है 0001, और ये जो दो ग्रुप दिख रहे हैं ये मैन्युअली क्रिएट किए हुए हैं, मीन्स यूज़र डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट है ये। तो किसी भी फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर कितने ग्रुप हैं, इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर कितने ग्रुप हमने क्रिएट किए हुए हैं, अगर आपको ये देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी फील्ड स्टेटस वेरिएंट को सिलेक्ट करें, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फील्ड स्टेटस ग्रुप, आप इस पे डबल क्लिक करें। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे कि आप कौन से फील्ड स्टेटस वेरिएंट के ग्रुप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाएगा 0001 फील्ड स्टेटस वेरिएंट है ये, यहाँ मेरा कर्सर है, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट है, और इसके अंडर में कितने ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। तो ये सभी ग्रुप हमने बनाए हुए हैं अलग अलग GL अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आप पढ़ेंगे जर्नल,
मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग। तो ये जितने भी आप अगर एक चार्ट ऑफ अकाउंट के अंडर में, जिसको COA भी बोलते हैं, चार्ट चार्ट ऑफ अकाउंट के अंडर में आप जितने भी GL ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, और इन ग्रुप्स के अंदर जितनी भी GL अकाउंट क्रिएट होंगे, जितने भी GL अकाउंट क्रिएट होंगे, तो पर्टिकुलर किसी भी GL अकाउंट के लिए आप ये ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड स्टेटस ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि पर्टिकुलर एक अकाउंट टाइप की जो एंट्री है या जो भी फील्ड की सेटिंग्स हैं वो सेम रहे। मैं यहाँ साथ में आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, ये अकाउंट ग्रुप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कंट्रोल इन चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंडर में ये अकाउंट ग्रुप। जैसे ही आप कोई GL अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसके बारे में हम वैसे बाद में डिटेल में ज़रूर समझेंगे जब ये टॉपिक पे हम आएंगे, अभी हम ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर हैं। ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर हैं तो सिर्फ इससे रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको फील्ड स्टेटस समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अकाउंट ग्रुप जब क्रिएट होगा, GL अकाउंट जब क्रिएट होगा, तो वो कौन से अकाउंट ग्रुप के अंडर में क्रिएट हो रहा है उसको हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी GL बनाने के लिए। और ये जो अकाउंट ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ये जो अकाउंट बना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये GL जर्नल लेजर अकाउंट है, तो इसमें कौन सा फील्ड असाइन करेंगे हम, जर्नल Z0001। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे जर्नल, ये जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है, ये इस अकाउंट को असाइन हुआ है, क्योंकि इसका जो टाइप है, अकाउंट ग्रुप का जो टाइप है वो जर्नल है, इसीलिए इसको ये जो ग्रुप है ये असाइन हुआ है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमको मेल डाल के पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करें। आगे देखते हैं कि ये सेकंड जो ग्रुप है ये मटेरियल से रिलेटेड है। तो मटेरियल से रिलेटेड कोई भी अकाउंट होगा तो उसका जो फील्ड स्टेटस ग्रुप रहेगा वो Z003 रहेगा, और ये प्री डिफाइन है SAP के अंदर, मींस पहले से बनाए हुए हैं। जब SAP आप इंस्टॉल करोगे तो आपको भी ये ऑलरेडी प्री डिफाइन आपको मिलेंगे SAP के अंदर। और ये जो वेरिएंट है 001, ये भी स्टैंडर्ड वेरिएंट है SAP का, ये आपको क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप कोई अकाउंट ग्रुप अलग से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं ये जो, और अगर आप चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप इन जो ओरिजिनल जो सेटिंग्स हैं इनकी, जो ओरिजिनल जो SAP के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेरिएंट है, ये SAP का स्टैंडर्ड वेरिएंट है और ये इसके स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं, तो आप इनमें कभी भी चेंज ना करें। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्रिएट कैसे करना है। अगर आपको खुद के लिए क्रिएट करना है एक अकाउंट फील्ड स्टेटस वेरिएंट, आप फील्ड स्टेटस पे जाएं, किसी भी जो स्टैंडर्ड फील्ड है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट है, आप उसको सेलेक्ट करें और ये कॉपी का बटन आपको दिख रहा होगा, इसको कॉपी कर दें। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो नीचे देखिए वन एंट्री चूजन। अब आप यहाँ पे जो भी आप अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट का नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अपना नाम देता हूँ ASH1। मान लीजिए ये हमने क्या बनाया, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ASH1, ठीक है, ये जो हमने बना दिया, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना दिया।
अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा, अभी तक ये जो सेव का जो बटन है ये अभी ग्रे मोड में है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक मैंने एंट्री प्रॉपर फिलअप नहीं की है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, अब ये मेरे से सिस्टम पूछ रहा है कि आपने ये जो आपका फिजिकल ईयर वेरिएंट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये जो वेरिएंट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने ये वेरिएंट कहाँ से कॉपी किया है? हमने ये वेरिएंट 0001 से कॉपी किया है। कहाँ से कॉपी किया है? ये 000, सॉरी, यस 001 से। तो सिस्टम हमसे ये पूछ रहा है कि आपको सिर्फ ये वेरिएंट कॉपी करना है, ओनली कॉपी एंट्री मीन्स ये वेरिएंट वेरिएंट कॉपी करना है, या जो 001 के अंदर जो भी ग्रुप्स हैं वो सभी कॉपी करने हैं। अगर आप कॉपी ऑल पे क्लिक करेंगे तो 001 के अंदर जो ग्रुप्स थे वो सभी कॉपी होके इसमें आ जाएंगे, इस आपके वेरिएंट में आ जाएंगे। और अगर ओनली कॉपी करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओनली कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अभी फील्ड स्टेटस वेरिएंट पे चलते हैं। यू ऑलरेडी इन चूजन, ओके, बैक करता हूँ, दोबारा ट्रांजेक्शन रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है वो 4 हो गए हैं, 4 फील्ड स्टेटस वेरिएंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इस एंट्री को चूज़ करता हूँ जो अभी हमने क्रिएट की है, और मैं उसके बाद फील्ड स्टेटस ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करना है ग्रुप पे, या ये जो बटन दिख रहा है फील्ड स्टेटस ग्रुप, आप इसको भी सिंगल क्लिक कर सकते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो मेरे ब्लैंक हैं, क्योंकि हमने उस टाइम क्या किया था, सिर्फ एक सिंगल एंट्री कॉपी की थी। अब हम देखेंगे कि अगर हम कॉपी ऑल करते हैं तो क्या होता है। इसको दोबारा से कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ, ASH2 करता हूँ, और जैसे ही एंटर करता हूँ मैं, दोबारा से वही मेरे से सिस्टम पूछ रहा है कि आपको ग्रुप्स भी कॉपी करने हैं। लास्ट टाइम हमने ये ऑप्शन लिया था ओनली कॉपी एंट्री, अब हम कॉपी ऑल करते हैं। कॉपी ऑल जैसे ही हमने किया तो सिस्टम ने क्या इन्फॉर्मेशन दी हमको, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्री कॉपी, कितनी एंट्री कॉपी हुई, 41 ग्रुप्स कॉपी हो गए हैं इस अकाउंट के, इस वेरिएंट के अंदर। ओके करते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। दोबारा मैं इसी ट्रांजेक्शन में जाता हूँ, अब यहाँ पे 5 वेरिएंट हो गए हैं, 5 फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो लास्ट अभी जो जस्ट हमने क्रिएट किया है वो है ASH2, इसको फील्ड स्टेटस पे डबल क्लिक करते हैं, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जितने भी ग्रुप 001 के अंदर थे वो सारे सेम कॉपी होके हमारा जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है उसके अंदर आ गए हैं। जनरली जो इनकी सेटिंग्स रहती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रुप्स की जो सेटिंग रहती है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। मैं एक ग्रुप को ओपन करता हूँ, ये जो मैं बता रहा था आपको यहाँ पे, अभी हमने कॉपी ऑल ग्रुप्स, फ्रॉम 0001 वेरिएंट। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो हमने ASH2 वेरिएंट क्रिएट किया जो कि हमारा खुद का यूज़र डिफाइन वेरिएंट है, और किससे कॉपी किया, वो 001 से। और कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, कॉपी टू ऑल पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, जितने भी ग्रुप थे इस 001 वेरिएंट के अंदर वो सभी कॉपी होके कहाँ पे आ गए, ASH2 के अंदर आ गए सेम। तो हमने, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं वो कैसे क्रिएट होंगे। अब ये देखते हैं कि ग्रुप्स के अंदर सेटिंग अगर आपको चेंज करनी है, मीन्स ये जो ग्रुप था ये हमने इस अकाउंट को असाइन किया था,
जीएल अकाउंट को। तो इस ग्रुप की अगर हम सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप की सेटिंग जो आप चेंज करना चाह रहे हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करें सबसे पहले ऐसे सिंगल क्लिक से, और उसके बाद ये जो फील्ड स्टेटस आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करें। अब ये जो स्क्रीन हमारे सामने ओपन हुई है ये किस ग्रुप की हुई है ओपन, 0001 की, Z001। और ये Z001 ग्रुप किसके अंडर में है, ASH2 वेरिएंट के अंडर में। अब हम ये हमको सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कौन सा डाटा की फील्ड चेंज करना चाहते हैं, मीन्स जर्नल डाटा पे डबल क्लिक करेंगे तो जर्नल डाटा में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम की सेटिंग रहती है वो ये है, अगर आप किसी फील्ड को रिक्वायर मीन्स मैंडेटरी फील्ड बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस फील्ड को मैंडेटरी फील्ड बनाना चाहता हूँ इनवॉइस रेफरेंस नंबर को, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये रिक्वायर्ड फील्ड हो जाएगी। जैसे ही मैं सेव करूँगा और जब भी मैं उस अकाउंट के अंदर एंट्री करूँगा तो ये जो फील्ड स्टेटस वेरियंट है ये क्या काम करेगा, इस फील्ड को हमेशा मैंडेटरी रखेगा और आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी ही डालनी पड़ेगी इस फील्ड के अंदर इनवॉइस रेफरेंस के अंदर, अदरवाइज सिस्टम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट या सेव नहीं करने देगा। तो जनरली जो फील्ड्स ग्रुप्स का जो काम रहता है वो ये काम रहता है। मैं इसको एज इट इज़ करता हूँ और सेव करता हूँ। तो आपने देखा कि फील्ड स्टेटस वेरियंट कैसे क्रिएट करते हैं और फील्ड स्टेटस ग्रुप्स के अंदर सेटिंग्स कैसे की जाती है, ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद ये जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है हमने जो ये अभी क्रिएट किया है उसके बाद हमको इसको सेव करना है और बैक आके ये जो हमारा वेरिएंट है इसको क्या करना है, कंपनी कोड को असाइन करना है। तो कंपनी कोड को असाइन हमने क्या किया, अभी हमने सबसे पहले फील्ड स्टेटस वेरिएंट जाना कि वेरिएंट कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उस फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर फील्ड स्टेटस ग्रुप कैसे बनाने हैं हमने वो भी जाना। जनरली आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको ये ग्रुप्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं जो स्टैंडर्ड हैं। अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ नई सेटिंग चाहिए आपको तो वो फील्ड्स में चेंज करके या फिर नया फील्ड ग्रुप डिफाइन करके आप कर सकते हैं। उसके बाद ये वेरिएंट क्रिएट हो गया और इसके अंदर ग्रुप्स भी बन गए। अब हमको क्या करना है, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है वो कंपनी कोड को असाइन करना है। हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। कंपनी कोड को क्यों असाइन करेंगे ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिस कंपनी कोड के अंडर में हम वर्क कर रहे हैं उस चार्ट ऑफ अकाउंट से वो सभी जो जीएल अकाउंट्स हैं वो लिंक हैं, और जो ये ग्रुप्स हैं वो उनको असाइन होंगे। और सिस्टम को कैसे पता लगेगा, ये जब ये वेरिएंट हम कंपनी कोड को असाइन करेंगे, तो कंपनी कोड को अगर हम वेरिएंट असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड आप नोट कर सकते हैं। उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है OBC5। क्रिएट करने के लिए क्या था, OBC4। और वेरिएंट असाइन करने के लिए क्या है, OBC5 NOBC5। ये स्लैश एन जो स्टार्टिंग में मैंने लगाया है आपको पता होगा क्यों लगाया है, ताकि इस स्क्रीन से ये बाहर आए और ये जो नई ट्रांजेक्शन है ये मेरी एग्जीक्यूट हो जाए। साथ साथ मैं आपको इसका पाथ भी बता देता हूँ, आप SPRO ओपन करें जो वेरिएंट क्रिएट करने के लिए है। आपको ट्रांजेक्शन कोड तो आपने नोट कर लिया होगा, OBC4 है वेरिएंट क्रिएट करने के लिए, और उसी के अंदर हमको जो ग्रुप्स हैं वो भी क्रिएट करेंगे, और अगर ग्रुप्स की सेटिंग है तो वो भी वहीं से होगी OBC4 से।
और अगर आप मीनू पाथ के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, एसएपी मीनू पे जाएं, एसएपी मीनू पे जाएं या डायरेक्ट आप एसपीआर ओपन करें। ये हमारी असाइन की जो ट्रांजेक्शन ने रन की थी, जो फिजिकल सॉरी जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है जो कंपनी कोड को असाइन करना है, तो वो स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई है। इसकी ट्रांजेक्शन कोड यहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ देख सकते हैं OBC5। तो पाथ मैं आपको अभी बता दूंगा, पहले ये देखते हैं कि असाइन कैसे करते हैं। हमारा कंपनी कोड क्या है, 1000 है, या आप किसी भी कंपनी कोड को जिसको आप असाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1100 को असाइन करना चाहता हूं, तो ये पोजीशन का बटन मैं प्रेस करूंगा और यहां कंपनी कोड हमको दिखा रहा है। आप सर्च कर सकते हैं अपना कंपनी कोड, अगर आपको यहां पे दिख नहीं रहा है और ओके करेंगे तो सबसे टॉप पे वो आपका कंपनी कोड आ जाएगा। और आप यहाँ पर वो फील्ड स्टेटस वेरियंट डाल सकते हैं, और अगर वो आपको याद नहीं है कि आपने क्या क्रिएट किया था, तो ये आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रेडियो बटन दिख रहा है इसको प्रेस करें। ये सर्च हेल्प का बटन है, आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फील्ड स्टेटस वेरिएंट अभी तक बने हुए हैं वो सभी आपको दिखाएगा। लास्ट टाइम हमने ये क्रिएट किया था, हमको इसको असाइन करना है हमारी कंपनी कोड को, तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, डाटा वाज सेव। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो कवर हुआ, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इसके अंदर हमने ग्रुप कैसे क्रिएट किए, ग्रुप्स की जो फील्ड्स हैं उनकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी आपने जाना, और फील्ड स्टेटस वेरिएंट को कंपनी कोड को कैसे असाइन करना है, क्या इसकी ट्रांजेक्शन कोड है वो आपने जाना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मेल डाल के एक या दो दिन में अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवाएं। अच्छा, और मैं आपको बता रहा था कि इसका जो पाथ है वो कैसे, आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, टूल्स में अबैप वर्कबेंच में डेवलपमेंट में सॉरी कस्टमाइजिंग में टूल्स के बाद कस्टमाइजिंग में, और कस्टमाइजिंग के बाद IMG रेफरेंस और SPRO आप यहाँ पे डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, या मीनू पाथ के थ्रू जाना चाहें तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, SPRO रेफरेंस IMG पे क्लिक करना है। वैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। लास्ट टाइम जो हमने जो कवर किया था वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर था, अभी हम फाइनेंस की ग्लोबल सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइनेंस अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स है, और इसके अंदर अभी जो हमारे टॉपिक ये चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फाइनेंस अकाउंटिंग पे, फाइनेंस अकाउंटिंग को ओपन करेंगे। उसके बाद ग्लोबल सेटिंग का टॉपिक चल रहा है तो ग्लोबल सेटिंग को ओपन करेंगे। ग्लोबल सेटिंग के बाद जो वेरिएंट है वो कहाँ पे डिफाइन होगा, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बाद लाइन आइटम आपको दिख रहा होगा, लाइन आइटम को ओपन करेंगे, और यहाँ पे लाइन आइटम के बाद आपको आई थिंक कंट्रोल को ओपन करना है, और कंट्रोल के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे मेंटेन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो सेम जो OBC4 के टाइम जो ट्रांजेक्शन के टाइम जो स्क्रीन ओपन हुई थी, ये जो आपने ट्रांजेक्शन यहाँ पे रन की थी OBC4, तो सेम स्क्रीन जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सेम स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए
सेम स्क्रीन ओपन हो गई, क्योंकि पहले हमने ट्रांजैक्शन के थ्रू इस जो स्क्रीन को कॉल किया था और अभी हम फील्ड जो मेनू पाथ है उसके थ्रू हम इस स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप अगर आप मेनू पाथ को यूज़ कर रहे हैं और आपको इनमें से किसी भी जो ये किसी भी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं कि इनमें से किसी की भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेन फील्ड स्टेटस वेरिएंट के लिए क्या ट्रांजेक्शन है और आपको याद नहीं है, तो आपको जनरली क्या करना है, यूटिलिटी में जाना है, सॉरी यूटिलिटी नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जाना है और इन्हेंसमेंट आईडी आई थिंक यही है, इन्हेंसमेंट आईडी पे आप क्लिक करेंगे। ये सेटिंग है कि ये देखिए आपको क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे डिस्प्ले की, और डिस्प्ले की के बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा और डाटा इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेन फील्ड स्टेटस वेरियंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इसका ट्रांजेक्शन कोड अगर इसी स्क्रीन पे देखना है तो यहाँ पे जो ये लिखा आ रहा है, जो भी कुछ है ये, इसके जो लास्ट फोर करेक्टर हैं OBC4 वो इस फील्ड को रन करने के लिए ट्रांजेक्शन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको लिख के रखना चाहें तो लिख सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डिस्प्ले की, और उसके बाद एट्रीब्यूट्स, ये जो, और हमने असाइन किया था कंपनी कोड को फील्ड स्टेटस वेरिएंट, तो उसके लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं OBC5, लास्ट के जो फोर डिजिट हैं वो ट्रांजेक्शन कोड हैं पर्टिकुलर किसी भी वर्किंग एरिया के लिए। तो दोस्तों आज हमने कवर किया डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट और असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट, इनकी ट्रांजेक्शन कोड लिखिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और पाथ भी फॉलो करिए, पाथ भी आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने जाना फील्ड स्टेटस वेरिएंट और इसको कैसे असाइन करना है कंपनी कोड को, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, डिफाइन पोस्टिंग की, या इसके बीच में दो चार टॉपिक और हैं जो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे हम। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप हमको कमेंट ज़रूर डालिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और कोई भी आपको बुक्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो मेल आईडी के थ्रू मंगवा सकते हैं, sapjourney1984@gmail.com हमारी हेल्पलाइन है, आप इस पे मेल डाल के हमसे स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। और जो अभी कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो, या कुछ नए जो यूज़र हैं जो अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हमको मेल डाल सकते हैं, या उनको टेस्ट से रिलेटेड असाइनमेंट चाहिए जो लास्ट टाइम हमने लिया था टेस्ट, तो वो भी मंगवा सकते हैं आप लोग, और अपने सजेशन ज़रूर दें ताकि हम जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो SD मॉड्यूल से रिलेटेड रहेगी, और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी MM मॉड्यूल से रिलेटेड। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो बेसिस मॉड्यूल है, जो उसका जो बेसिक पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो जनवरी एंड से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सभी हमको ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी एंडिंग में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपने कमेंट छोड़ें।
कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो हमें ज़रूर बताएं और हम उसके लिए आपको मेल डालेंगे या हम कोई वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी हमारी नई वीडियो जो बन के तैयार होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी और आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। आपको एक पर्टिकुलर YouTube पे आपको साइन दिखाई देगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो पब्लिश हो गई है या आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें से जो भी कोई SAP लर्न करना चाहता है तो वो भी इजीली लर्न कर सके। थैंक यू।